तो हाँ दोस्तों, आप भी कॉपी पेस्ट काम करके ये इस्लामिक वीडियोस उठाकर ये जो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये आप कैसे यूट्यूब से उठाए और अपने चैनल पर ही अपलोड करें। आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आपको ना वॉइस की जरूरत है, ना आपको चेहरा दिखाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। बस सैंपल है, आपने वीडियो उठाना है और अपने चैनल पर ही अपलोड करने हैं। बस आपने ये देखे, ये इस्लामिक जितने भी व्यूज आपको ये देखे मिल जाएंगे। आप अपनी मर्जी से कई भी वीडियो उठा सकते हैं इस्लामिक, और अपनी ना आपने वॉइस ऐड करना है, ना आपने अपना चेहरा दिखाना है। बस इसके साथ नॉन कोऑपरेट, आप अपनी मर्जी का, अगर आप नात लगाना चाहते हैं, कोई आयत कुरान की आयत लगाना चाहते हैं, कोई सूरत लगाना चाहते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि वो भी आपने कहाँ से लेना है, जो कि इस नॉन कोऑपरेट और इस वीडियो के साथ लगाओगे और अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो आपका चैनल भी मोनेटाइज और साथ सवाब भी कमाओगे और सवाब के साथ साथ आप पैसा भी कमाओगे। लेकिन कैसे, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही आपने करना है। आपने कहाँ से ये वीडियोज डाउनलोड करने हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत वीडियोस आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। जो आपकी मर्जी है वही आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपने वॉइस कुछ ऐड नहीं करना, बस नाज शरीफ या सूरत कोई भी आपने इसके साथ नॉन कॉपीराइट ऐड करना है, वो भी तो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपने ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, आपने इसको एडिट कैसे करना है, आपने इसके साथ वो नायत वगैरह को नॉन कॉपीराइट कैसे लगाना है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना देखिए ताकि आपको सही समझ आ सके। दोस्तों अगर आप स्किप कर ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी से स्किप कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है जो स्किप कर देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये स्किप कर देखना चाहते हो तो ये आपको समझ ही नहीं आएगी। तो जो लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे उसको समझ ही आएगा, और वो भी इस चैनल पर अभी से स्टार्ट कर दो, न्यू चैनल बनाओ, तो इंशाल्लाह आपके मन के अंदर जो है आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, आपका पैसा अर्निंग भी शुरू हो जाएगा और आप सवाब भी कमाओगे। ठीक है, तो ये उन न्यू यूट्यूबर्स के लिए हैं जो कहते हैं कि हमें कंटेंट नहीं मिल रहा। ये भी नहीं कि आपको 5-6-10 वीडियोस मिलेंगे, यहाँ पर आपको हज़ारों जो है वो वीडियो मिल जाएंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर दिखा देता हूँ, आपको हज़ारों वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, बस डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, सेकंडों के अंदर कोई टाइम भी आपका वो नहीं लेगा। आप दिन को 5 वीडियो 10 वीडियो जितना आप मर्जी अपलोड कर सकते हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको आपने कहाँ से लेना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, और वीडियो देख के अगर आपको सही समझ आ सके, मजा आए, तो फिर एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दीजिए हमारे हौसला अफजाई के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि इसको आपने कहाँ से लेना है। तो आइए हम सीधा चलते हैं दोस्तों प्ले स्टोर के अंदर, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ये देख सकते हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट। अगर आपके पास है तो सही है, नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसको आपने डाउनलोड करना है। सही है दोस्तों, ये मेरे साथ ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड है, तो मैंने डायरेक्टली इसको ओपन करना है। सही है, मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। सही है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, और आपने सर्च पे आ जाना है। यहाँ पर आपने बस लिख देना है इस्लामिक वीडियो, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको आपने और से देखना है। आपने सॉरी मोबाइल ऐसे पकड़ना है इस तरीके से ताकि आपको ये मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये साइड पर ये आपको सही क्लियर दिखे। सही है, आपने वीडियो को ऐसे मोबाइल को ऐसा करना है, वीडियो को बड़ा कर देना है ताकि आपको मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये साइड वाली ये बड़ा दिखे, समझ आए एक चीज़ का। सही है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने इस्लामिक वीडियो क्लिक करना है। जैसे आप इस्लामिक वीडियो क्लिक करोगे तो ये देखिए कितनी खूबसूरत वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों इससे पहले आप इसको डाउनलोड कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। इसको आपने डाउनलोड भी आसानी से करोगे सेकंडों के अंदर, एडिटिंग भी इसका सेकंडों के अंदर है, और अपलोड करना भी, और नॉन कॉपीराइट इसके साथ जो भी आप चीज़ लगाना चाहते हैं वो भी सेकंडों के अंदर। बस ये वीडियो कुछ मिनटों की है, ये आपने पूरा देखना है, फिर आगे लाइफ आपका सेट हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे दुआएं देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है दोस्तों, कोई भी वीडियो हो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आपको इस यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है इस साइड पर इस तरीके से, और यहाँ पर आपको दोस्तों एक कॉपी लिंक वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। सही है, इस पे आपने कर देना है क्लिक, हमने कर दिया है कॉपी, ये देखिए इससे आपने कॉपी करना है। सही है दोस्तों, कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है बैक। बैक आने के बाद अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने कर देना है गूगल एप्लीकेशन को ओपन। दोस्तों तो हम कर लेते हैं गूगल एप्लीकेशन को ओपन, ये तो बच्चे बच्चे को पता है गूगल का।
तो यहाँ पर सर्च पे आपने आ जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपने क्लिक करना है, लिख देना है PINTERESTVIDEO वीडियो डाउनलोडर, प्रिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। तो जैसे ही आप सर्च करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक छोटा सा एप्लीकेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपने कर देना है क्लिक, और जैसे कोई भी कहाँ से भी जो अगर टिकटॉक वीडियोज़ हो, फेसबुक वीडियो, वो भी आप यहाँ पर सेकंडों के अंदर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, किसी एप्लीकेशन का भी वीडियोज़ हो। तो यहाँ पर आने के बाद जो वो लिंक आपने कॉपी किया था वीडियो का, वो यहाँ पर आपने पेस्ट करना है। तो हमने इस उंगली को यहाँ पर दबाना है, दबाने के बाद उंगली रख के इसे देखें, इस तरीके से आपने इसके ऊपर उंगली दबाना है, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा पेस्ट वाला ऑप्शन, ये देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है तो वो लिंक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे अपने कर देना है क्लिक। तो हम कर लेते हैं इस पर क्लिक, और आपकी वीडियो यहाँ पर सेकंड के अंदर हो जाएगी तैयार। तो ये देख सकते हैं आपका ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपने करना है ये तीन डॉट पे क्लिक, तो हम कर लेते हैं इस पर क्लिक। ऊपर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन डायरेक्टली मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, इसको इस पर आपने क्लिक कर देना है क्लिक, और ये वीडियो जो है ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने आने डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए सेकंडों के अंदर अभी हो जाएगी डाउनलोड, ये देखिए सही है, ये हो रहा है इस वक्त, सही है, ये देखिए, अब ये देखिए, देखो कंप्लीट होता है, ये देखिए हो गया कंप्लीट सेकंडों के अंदर, कुछ टाइम आपका नहीं लगा, सही है। अब डायरेक्टली आपने आ जाना है गैलरी के अंदर, तो हम आ जाते हैं गैलरी के अंदर, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या वो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है कि नहीं। ये देख सकते हैं वो वीडियो यहाँ पर आ चुका है, सेव हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपने इसको एडिट कैसे करना है, अब आपने प्यारा सा एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है कैपकट के अंदर, अगर आपके पास है तो सही, नहीं है तो आप प्ले स्टोर से ऑलरेडी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कैपकट के अंदर, और ये तो इसीलिए एप्लीकेशन है, ये देख सकते हैं कि CAPCUT कैपकट यही एप्लीकेशन है, इसको आपने कर देना है डाउनलोड, ये देख सकते हैं, सही है। अब आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो हम कर लेते हैं इस पे क्लिक, और जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपने वही वीडियो उठाना है जो आपने डाउनलोड किया है, सही है दोस्तों। तो हम उसी वीडियो को उठाते हैं और यहाँ पर लाते हैं, सही है। तो यहाँ पर जैसे हमने वीडियो यहाँ पर लाया, सही है, ये आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जैसे आप यहाँ पर लाओगे, सॉरी वो दूसरा वीडियो मैं यहाँ पर लाता हूँ, सही है, ये देखिए, सही है, हमने इसको यहाँ पर वीडियो को उठाया, ये आप देख सकते हैं वो जो वीडियोस था जो मैंने डाउनलोड किया, सही है, सॉरी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने यहाँ इस पर क्लिक करना है वीडियो पर, ये देख सकते हैं, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, हमने क्लिक किया, आपको नीचे ऑप्शन आ जाएंगे इस पर, इसको ये देख सकते हैं नीचे ऑप्शन, इसको आपने स्क्रॉल करना है इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हैं माइक का, इसको आपने क्लिक करना है और इसको आखिर तक जीरो कर देना है, क्लिक करना है, तो इसका जो अपना साउंड है वो बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद आपने इसी वीडियो पे दोबारा क्लिक करना है यहाँ पर, सही है, हमने कर दिया है क्लिक। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है उसी तरीके से, इस लाइन को आपने इस तरीके से स्क्रॉल करना है, सही है दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद इस तरीके से आपने आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इसको आपने क्लिक करना है, सही है दोस्तों। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कलर्स वाले ऑप्शन आ जाएंगे, इसको आपने कुछ कलर चेंज करना है ताकि कोई कॉपीराइट का ऑप्शन आपको कोई भी ना आए, सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं HCL का, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करना है, ये देखें इसका कलर इधर कवर करना है, इस तरीके से आपने इधर उधर करना है, ठीक है, ये देखें, सही है, उधर देखो उसका कलर चेंज होता जा रहा है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से आपने कुछ आपने ऐड करना है, ये देखें किस तरह कलर चेंज हुआ, इस पर आपने कर देना है सेव। तो यह हमारा हो गया कलर को चेंज। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों टी वाला, टी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने अपना चैनल का जो लोगो है नाम लिखना है, फिर आपने यहाँ पर टी पे क्लिक, ए पे क्लिक करना है, जैसे आप ए पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं, कोई भी चैनल का नाम हो हमारा, तो हमने यहाँ पर कुछ भी लिख देना है, हैप्पी बॉय लिख देना है, हैप्पी, सही है, हैप्पी बाई लिख देना है, सही है, कोई भी नाम हो आपका। और फिर उसको आपने कलर कैसे देना है, कलर आपने यहाँ स्टाइल, ये देख सकते हैं यहाँ पर इफेक्ट सब कुछ आपके सामने है, ये स्टाइल पे हमने क्लिक किया तो हमने ब्लैक चूज़ किया, पीला भी चूज़ कर सकते हैं, हमने उसको चूज़ किया,
और यहाँ पर लगा है, सही है। फिर आपने क्लिक करना है और उस नेम को वीडियो तक पहुँचाना है, जहाँ पर वीडियो है उस तक आपने दोस्तों यहाँ तक लगा देना है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, इधर पंखा भी लगाया पर फिर पसीना आ रहा है, सही है। यहाँ पर आपने इसको लगा देना है इस तरीके से, फिर वापस यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने अपना लोगो लगाना है। लोगो कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना चैनल का लोगो यहाँ इस पे क्लिक करना है, ओवरले पे फिर क्लिक करना है, और यहाँ से आपने फ़ोटो पे जाना है। फ़ोटो पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी आप पिक्चर ले सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है, अपने चैनल का। तो मैं वैसे ही आपको एक ये पिक्चर लगा देता हूँ आपको सिखाने के लिए। तो इसको आपने उंगलियों के दोनों, ये दो उंगली आपकी है, इसकी मदद से आपने इसको छोटा बड़ा कर देना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से, सही है, ये आप देख सकते हैं, आपने इस तरीके से छोटा बड़ा करना है। और साथ ये देख सकते हैं आप मोबाइल के स्क्रीन पर, इसको ला के यहाँ पर रख देना है ताकि आपका ये चैनल जो है इस पर कोई कॉपीराइट ना आए। तो फिर भी आपने इसको इस वीडियो के साथ एडजस्ट करना है इधर यहाँ पर। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इसको कर देना है एक्सपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, तो हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो ये आप इसी कंटो के अंदर जो है हमारी गैलरी में ये भी सेव हो जाएगा। तो डाउनलोड भी आपने सीख लिया, एडिटिंग भी आपने सीख लिया, वीडियो कहाँ से उठाना है वो भी आपने सीख लिया, हमने डन पे क्लिक किया। अब आपने यूट्यूब के अंदर आना है और यहाँ से आपने कॉपीराइट जो नात शरीफ है या आयत है सूरत है वो यहाँ से आपने लगाना है, सही है दोस्तों। आपने आ जाना है यूट्यूब के अंदर और यहाँ पर वो ऑप्शन आपको यूट्यूब दे रहा है, कोई और नहीं दे रहा, इसीलिए आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। यहाँ पर आपने नीचे जहाँ से आप वीडियो अपलोड करते हैं उस पे आना है, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट पे आना है, नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग सारा वगैरह, यहाँ पर शॉर्ट पे आपने क्लिक करना है। शॉर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना एक वीडियो सेलेक्ट करना है जो आपने एडिट किया है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो को एडिट कर लिया है दोस्तों। अब आपका यहाँ पर आप 60 सेकंड ये देख सकते हैं, इस पर आपने क्लिक करना है कि आपका वीडियो 60 सेकंड का है, 30 सेकंड का है या 15 सेकंड का है। तो आपने यहाँ इसी को आप दबाना है, 15 सेकंड ही है, आपने नीचे डन पे क्लिक करना है। जैसे आप डन पे दोस्तों क्लिक करते हो तो आपका ये वीडियो प्रोसेस में चला जाएगा, ये प्रोसेसिंग कर रहा है, अपलोड हो रहा है, ये देख सकते हैं ये हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों अब आपने ये आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर जब वीडियो यहाँ पर आएगा तो ये देख सकते हैं एडिट साउंड, यहाँ पर इस एडिट साउंड पर आपने क्लिक करना है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ, सही है, ये देखें, ये देख सकते हैं इस एडिटर वाले साउंड पे आपने क्लिक करना है। तो हम कर लेते हैं इस पे क्लिक, और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो वो नात है आयात है बस आपने यहाँ पर सर्च करना है, सही है। मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ उर्दू नात, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, ये देखिए नात मैंने क्लिक किया, सही है, उर्दू नात मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये देखें ये बहुत सारे आ चुके हैं यहाँ पर, ये देखें, सही है, इस तरीके से ये देखें। मैं इसका साउंड भी थोड़ा ओपन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको लगे, सही है, कि यहाँ पर ना शरीफ है। तो ये देखें मैं इसको ज़रा सा वीडियो को, इस तरीके से एक एक भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट वाला लगाना चाहता हूँ, तो मैं अभी फर्स्ट वाला ही लगाना चाहता हूँ, सही है। तो आपने इसी पे इस तरीके से ये देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इस सेट पे, ये देखिए तीर वाला ऑप्शन, इस पे दोस्तों आपने क्लिक करना है तो ये डायरेक्टली सीधा आपकी वीडियो के अंदर जो है वो लग जाएगी। तो अभी हम वेट करते हैं कि जल्दी जल्दी लग जाए, सही है। तो अभी जो है ये लग चुका है, लगने के बाद ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए ये लग गया है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे क्लिक करना है, ये देखें, सही है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी हम इसको ज़रा सुनते हैं, सही है, कि लग गया है कि नहीं, सही है, यहाँ पर ये लग चुका है, सही है, या आप ऊपर देख सकते हैं, सही है, ये देखें यहाँ पर ये लग चुका है, सही है, आप ऊपर वीडियो के ऊपर आ जाएगा तो आप ये देखें, देख लिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या होगा कि ये आपका जो वीडियो है यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया, वहाँ पर आपने टाइटल लिख देना है कोई भी, आप अब इस वीडियो का जो भी वीडियो हो इस्लामिक का, यहाँ पर आपने उसका टाइटल लिख देना है।
टाइटल लिखने के बाद नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिख देना है और जो भी वगैरह वगैरह इसके लिए चाहिए वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन अगर आप इसको एक बार देख लिया तो ये आपको अच्छा लगा तो नीचे आप प्यार से कमेंट कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये वीडियो था यहाँ तक आप आगे अपलोड तो कर सकते हैं, आपको तो समझ आ रहा है कि इसका टाइटल हमें क्या रखना है, ये रखना है इस्लामिक वायरल वीडियो, ठीक है। और इसको आपने कर देना है अपलोड, आपकी वीडियो में आपके चैनल पर यह होगा अपलोड, आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कोई चीज़ नहीं आएगा अगर आप इस तरह एडिटिंग कर लिया आपने, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।